नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी वेरावल में हूँ, सोमनाथ के पास, और ये मेरा होटल था आज का, जहाँ मैं रुका था। डबल बेड है, काफ़ी बड़ा रूम है, और ये अटैच वॉशरूम है। और ये बस स्टैंड के, वेरावल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही है। यदि इधर से हम देखेंगे खिड़की से, तो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बस स्टैंड है। तो ये मुझे सिर्फ 500 रुपये में मिला। यदि आप इधर आते हैं तो आप रुक सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ से वेरावल से बस के द्वारा जाने वाले हैं, बस की यात्रा करने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में, और आप भी मेरे साथ में इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। और ये यहाँ वेरावल का बस स्टॉप, और यहाँ से हम अमरेली तक जाने वाले हैं बस के द्वारा। देखते हैं कहाँ से बस मिलेगी, पूछताछ करते हैं। बस की पूछताछ से पता चला है कि बस 12:30 बजे जाएगी, और अभी तो 8 ही बजे हैं। तो उससे पहले ट्रेन है 9:30 बजे, 9:15 बजे। तो रेलवे स्टेशन चलते हैं और ट्रेन का सफ़र करते हैं। आइए चलते हैं। और अभी हम टेम्पो में बैठ गए हैं इनके साथ में, और रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। रेलवे स्टेशन यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है बस स्टॉप से। यहाँ का टावर चौक, और ये आगे का स्टेशन का रास्ता। ये यूसुफ भाई जो हमने यहाँ तक लेके आए, और 20 रुपये में लेके आए। मैंने पैसा दिया तो बोलते हैं शुक्रिया, बोला तो बोला नहीं शुक्रिया नहीं, पैसे का काम किया हमने, शुक्रिया का काम नहीं किया। और ये अभी स्टेशन हम पहुँच गए हैं। धन्यवाद, थैंक यू आपका, शुक्रिया। और ये वेरावल का रेलवे स्टेशन पहुँच गए अभी हम। यूसुफ भाई ने हमें छोड़ दिया यहाँ तक टेम्पो में। और यहाँ देखिए ये शानदार नज़ारा, सफ़ेद सफ़ेद बोगला बैठे हैं इधर। और ये यहाँ का लोकल लोग, और ये रेलवे स्टेशन। आइए चलते हैं अंदर और टिकट लेते हैं पहले, और उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आइए चलें। और ये टिकट के लिए वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है। और ये यहाँ टिकट काउंटर भी है, काउंटर से हमने टिकट ले लिया हमारा अमरेली का। और 9:30 बजे की ट्रेन है, अभी 1 घंटा और है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आइए। और ये वेरावल जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1। और ये अमरेली के लिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये हमारी गाड़ी, और ये अभी हमारी गाड़ी यहाँ से चल पड़ी है वेरावल। वेरावल अरे कहाँ तक जाएगी, अमरेली तक? हाँ अमरेली है। कितना टाइम लगेगा अमरेली का? 2 घंटा, 3 साढ़े 3 घंटे। 3 साढ़े 3 घंटा भाई बता रहे हैं यहाँ से लगने वाला है। ये वेरावल का स्टेशन जिसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। Thank you.
तकरीबन एक घंटा चलने के बाद ये एक बीच में प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेशन आया है और यहाँ पिछले 10 मिनट से गाड़ी खड़ी है। गाड़ी हमारी बिल्कुल छोटी है, 6-7 डब्बे हैं इसके अंदर बस। और यहाँ से जहाँ हमने चाय ले ली, ये चाय की दुकान है यहाँ, और अभी भी गाड़ी खड़ी है, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। अभी हम विसावदार जंक्शन पे पहुंच गए हैं। ये यहाँ का प्लेटफॉर्म और ये हमारी गाड़ी जो मीटर गेज गाड़ी है, सिर्फ 4 डब्बे इसके अंदर हैं और ये अमरेली तक जाती है। वेरावल से अमरेली 150 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में पूरा होता है। आस्ता आस्ता चलती है और ये देखिए, ये मीटर गेज का इंजन, छोटा इंजन है और छोटी गाड़ी है। और ये यहाँ इस स्टेशन पे आप देखें, ये जो हम चेंज करते हैं लाइन गाड़ियों के लिए, वो सिस्टम यहाँ पर बाहर ये दिखा दे रहा है। इससे आप लाइनें चेंज कर सकते हैं, जो रेलवे के जो अधिकारी हैं। और ये हमारा गाड़ी जो यहाँ पर, काफ़ी देर हो गया, चाय पानी हमने पी लिया, आराम से वीडियो बना रहे हैं, और ये गाड़ी खड़ी अभी तक। अभी सवारियाँ अपना सामान ला रही हैं, खाली खाली गाड़ी है, छोटी गाड़ी है फिर भी खाली खाली। और ये देखिए यहीं तक एंड है, 4 डब्बे हैं इसके अंदर। और
और यहाँ से 10-15 मिनट के स्टॉप के बाद फिर रवाना हो गई गाड़ी। और ये एक और स्टेशन जैतलवड़। छोटा स्टेशन है और एक ही मिनट गाड़ी रुकी है, अभी वापस चलेगी यहाँ से। ड्राइवर ने हॉर्न बजा दिया है। चलाला स्टेशन आया है और यहाँ से अभी अमरेली 25 किलोमीटर रह गया। और ये एक छोटा स्टेशन है, यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है और उसके बाद आगे गाड़ी हमारी चलेगी। और यहाँ चलाला में तकरीबन गाड़ी खाली हो गई हमारी। इसके अंदर अभी है और ये यहाँ से अभी चलाना से रवाना हो चुकी है। एक या दो मिनट का स्टॉप किया यहाँ पर। इस तरह से ये हमारी गाड़ी वेरावल से अमरेली तक पहुंच गई है। और ये अमरेली का रेलवे स्टेशन। और ये इस रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू, काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। 1912 में बना हुआ ये अमरेली का रेलवे स्टेशन। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।